अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये सर्दियों की बहुत ही लाजवाब डिश है। आज हम बनाएंगे गजरेला। तो आए इसको बनाना शुरू करते हैं। 2 किलो मैंने गाजरें ली है, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और 2 लीटर हमें दूध चाहिए होगा। दूध हम अच्छे वाला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में गाजरें डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें दूध डाल देंगे। तो इसके साथ ही मैं 5 से 6 अदद इलायचियां डाल दूंगी। और अब हमने क्या करना है, इसको इतना पकाना है कि दूध जो है ना वो इस गाजर के अंदर सारा खुश्क हो जाए। और साथ साथ हम इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहेंगे। तो अभी बस दूध जो है वो इसमें उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसी तरह इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहेंगे। तो भी बस काफ़ी हद तक दूध जो है वो खुश्क हो गया है। अब हम इसको मज़ीद इसी तरह पकाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो भी बस दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर हम चीनी को इसमें भून लेंगे। तो भी बस चीनी का पानी जो है वो भी इसमें अच्छी तरह खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप देसी घी का इस्तेमाल करूंगी। देसी घी मैंने अभी बनाया इसलिए थोड़ा पिघला हुआ है। आप भी हमेशा इसमें कोई भी मीठी चीज़ बनाए उसमें देसी घी का इस्तेमाल करें, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम घी को भी इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे तेज़ आंच करके। तो भी बस गजरेला जो है वो हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 400 से 500 ग्राम खोया वो ऐड कर दूंगी। खोया जो है ये मेरा होममेड है। इसको डाल के हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो खोया हमने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तकरीबन गजरेला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको फाइनली लुक दिखाते हैं। तो भी बस गजरेला हमारा तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Oh, oh, oh.